यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनकी कमाई के रिकॉर्ड के बारे में। बड़ी बुरी खबर नए साल पर सलमान खान के लिए ये है कि अब सलमान वो अभिनेता नहीं है जिन्होंने सबसे बड़े रिकॉर्ड को दर्ज किया है। अब तक सलमान का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन 4 साल से 5 साल बाद सलमान के रिकॉर्ड का हुआ ऐसा हाल जिसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था। सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि सलमान खान की फिल्मों का रिकॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि खिलाड़ी कुमार ने तोड़ी है। अक्षय कुमार ने तोड़ दी है सलमान के साल 2015 के उस रिकॉर्ड को, जिसमें सलमान ने 510 करोड़ डोमेस्टिक और 968 करोड़ वर्ल्ड वाइड में कमाई की थी फिल्मों के माध्यम से। और इस बार सलमान खान के रिकॉर्ड को तोड़ अक्षय ने डोमेस्टिक 750 करोड़ की कलेक्शन वाली फिल्मों का हिस्सा खुद को बनाया, तो वहीं 1078 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाले फिल्मों का उन्होंने हिस्सा बना लिया है। सलमान खान इतने करोड़ रुपए के आगे रिकॉर्ड टूटने पर बड़े ही झटके में तो होंगे, क्योंकि वाकई में अक्षय ने एक बड़ा मिसाल कायम किया है। खानों से हटकर उन्होंने ये नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान तो होगा ही। बता दें हम आपको, सलमान की फिल्म दबंग 3 लास्ट रिलीज हुई ऐसी फिल्म थी जिसे लेकर उम्मीदें काफी थी कि ये फिल्म अच्छी कमाई करेगी। फिल्म तो 150 करोड़ के आसपास पहुंची, लेकिन 200 करोड़ के क्लब में ये फिल्म नहीं शामिल हो पाई। वही सलमान खान से हटकर गुड न्यूज फिल्म अक्षय की रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज सलमान के जन्मदिन पर रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त साबित रही और उसने अच्छे रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति ग्रुप।